जयपुर प्रदेश के चौथे टाइगर पार्क रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में आज वन्य जीव सप्ताह की शानदार शुरुआत हुई। रामगढ़ विषधारी के उपवन संरक्षक संजीव शर्मा और बूंदी उपवन संरक्षक टी मोहनराज की मौजूदगी में दलेलपुर प्रवेश द्वार पर 75 स्कूली बच्चों को कैंटर से पार्क भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं जेतपुरा गेट से 50 स्कूली बच्चों को कैंटर से आक्रमण के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पथिक लोक सेवा संस्थान के मुकेश सीट, स्थानीय जनप्रतिनिधि और रामगढ़ विषधारी की फॉरेस्ट टीम के सदस्य मौजूद रहे। प्रवेश द्वार पर रंगोली सजाई गई और विद्यार्थियों को वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित पैम्पलेट भी दिए गए। ध्यान रहे, रामगढ़ विषधारी में अभी पर्यटन गतिविधियां शुरू नहीं की गई है। यहां पर एक बाघ और बाघिन का जोड़ा है जो वर्तमान में मेज नदी के पास गोवर्धन पर्वत क्षेत्र में विचरण कर रहा है। चार रूट कोर क्षेत्र में खोले जाने का प्रस्ताव। वन्य जीव सप्ताह के दौरान यहां पर नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थियों को वन क्षेत्र का भ्रमण कराया जाएगा और अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। दरअसल रामगढ़ विषधारी में टाइगर सफारी के लिए 7 नए रूट खोलने का प्रस्ताव है। इनमें 3 रूट बफर क्षेत्र में होंगे और 4 रूट कोर क्षेत्र में खोले जाने का प्रस्ताव है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर पर प्रस्ताव मंजूर करने के बाद यहां पर्यटक वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोर क्षेत्र में 40 पर्यटक वाहनों को एक बार में प्रवेश दिया जा सकेगा।